हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में मुझे प्यार दिया, इतना भी दिया, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और गाइस, मैंने आपको पूरा मकूसा का जो मार्केट था, म्यूनसिपल मार्केट जो था, वो सब आपको दिखाया और आपने इस वीडियो में बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मेरे गोवा के भी जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैं गुजारिश करूँगा, इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली सपोर्ट माई चैनल विद योर वन लाइक एंड सब्सक्रिप्शन। ओके गाइस, सो अब मैं अभी भी मापूसा में हूँ, लेकिन मैं मापूसा की जो मार्केट है वो है म्यूनसिपल मार्केट है, वहाँ पर नहीं, पर ये बिल्कुल बाहर हूँ सड़क के पास, जहाँ पर ये सड़क है। तो मैंने सोचा कि चलो छोटा सा ब्लॉग यहाँ पर भी आपको एक आपके साथ शेयर किया जाए। तो बाहर की तरफ भी आपको काफ़ी अच्छी शॉप्स मिल जाएंगी, चाहे वो ब्रांडेड हो, चाहे वो कौन सी भी हो, खाने पीने के लिए आपको अच्छा मिल जाएगा। अंदर जो है वो खाने पीने के लिए, हालांकि मतलब जो मार्केट के अंदर था, वहाँ पर भी खाने पीने के लिए आपको जगहें मिल जाएंगी, लेकिन इतने यहाँ थोड़ा सा जगह कंजस्टेड होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा खाना पीना। तो जैसे आप मेरे सामने देख सकते हो, सामने ये बिल्कुल मार्केट के बाहर है, मापूसा में म्यूनसिपल मार्केट के बाहर जब आप मेन रोड पर आ जाओगे, वहाँ पर ये सब जगह है, यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए जो शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, आपको मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो, अगर मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ, तो मैं आपको एक बार यहाँ का जो वीडियो जो नज़ारा है वो आपसे मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पर भी क्या क्या चल रहा है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। क्रिसमस का सीज़न है, और क्रिसमस के सीज़न के दौरान आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ क्रिसमस की चीज़ें जो हैं वो हमारे भाई साहब बेच रहे हैं। तो बिफोर आई टॉक टू हिम, ऐसा करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ मैं सारी ये चीज़ें। तो मोस्टली जो है वो क्रिसमस पे यहाँ पर या कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में क्या है, क्रिसमस का सामान जो है वो लोग खरीदते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू, कि यहाँ पर आप अपने घर के लिए, घर की डेकोरेशन के लिए आप सामान जो है ले सकते हैं। वेल, बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में, मैं आपको जो बाहर का जो नज़ारा है मेन रोड का, वो भी आपको दिखाऊँगा मापूसा का। और मेरे पिछले ब्लॉग को आपने देखा होगा, मेरे पिछले ब्लॉग में मैं जब मार्केट के अंदर गया था, तो वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से गया था। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जो कि आप यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये वाला वो रास्ता था जिधर से मैं अंदर गया, और यहाँ पर यहाँ से अगर आप जाओगे तो पूरा आपको इंडोर मार्केट मिलेगा। और यहाँ पर मैं इस वक्त आपको जो दिखा रहा हूँ, ये मापूसा ही है, लेकिन ये मापूसा का जो मेन बाज़ार रोड है, जहाँ पर आपको ब्रांडेड शॉप, बड़ी शॉप मिल जाएंगी, और होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। इफ़ यू रिक्वायर यू नो मनी, तो आप यहाँ पर ATMs वगैरह आपको मिल जाएंगे, और मे बी यू विल गेट बैंक्स हियर, क्योंकि मापूसा जो है एक बहुत बड़ा कस्बा है। और समझ मतलब मान सकते हो कि जैसे, क्योंकि ये म्यूनसिपलिटी के अंदर आता है ये, और उसी वजह से यहाँ पर आपको किसी बात की भी घटी नहीं होने वाली। यू विल गेट ऑल द बैंक्स हियर। गोवा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा ATM वगैरह मुश्किल हो जाता है, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ पर आप थोड़ा दूर रह रहे हो मतलब शहर से। तो ये थोड़ा सा मैं घूम के आपको बताना चाहता था दोस्तों, कि यहाँ पर भी आप मापूसा इज़ द प्लेस जिधर आपको हर एक चीज़ आसानी से मिल जाएगी, जो कि शायद आपको, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बैकेटोर में रह रहे हैं, और बैकेटोर में इतना कुछ वैसा कुछ जो हमको, मान लो कि जैसे हमको ATM की ज़रूरत है, तो ATM भी हमारे घर से कम 3-4 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ी जो गोवा की एक बात मैं आपको बताऊं, बसेस जो हैं वहाँ पर सर्विस वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर मतलब गांव साइड नहीं है। अगर बसेस आपको मिलेंगी तो 1-1 घंटे के बाद मिलेंगी, और तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस, ये जो है ये पूरी मार्केट है, और ये जो इस यहाँ के मार्केट का मैं आपको ब्लॉग बना के बता चुका हूँ, नगर पालिका बाज़ार, म्यूनसिपल बाज़ार, यही है। लेकिन मेरे पिछले वीडियो में मैंने यहाँ से एंट्रेंस नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैं म्यूनसिपल बाज़ार में इस वक्त नहीं जाना चाहता, बट सिर्फ थोड़ा सा अंदर जाकर मैं आपको यहाँ का जो नज़ारा है, क्योंकि वो पिछले ब्लॉग में जो था वो मिस हो गया था, वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कैसे, किस प्रकार का सिस्टम है। दैट आई वॉन्ट टू शो यू। तो ये है जी मार्केट, और हालांकि मार्केट का जो अंदर का ब्लॉग है वो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, सो आई वॉन्ट रिपीट दैट अगेन। तो इस प्रकार का ये कुछ यहाँ पर नज़ारा, मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो ऐसा करते हैं कि फिर से बाहर ही चलते हैं, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद था, जो म्यूनसिपल मार्केट है उसका बाहर का जो नज़ारा है मेन, वो आपको मैं पूछा था। चलते हैं बाहर, ये आ चुके हैं बाहर। तो दैट्स द मेन रोड ऑफ मापूसा।
तो ये मापूसा टैक्सी स्टैंड है शायद, और मैं अपने फ्रेंड से गुजारिश करूँगा कि आप बिल्कुल झिझके ना, कोई भी सवाल गोवा को लेकर आपका यदि हो, ट्रैवलिंग को लेकर, स्टेइंग को लेकर, फूड को लेकर, लोकेशन को लेकर, कोई भी अगर आपका सवाल हो, यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हो कि दैट यू आर गोइंग टू प्लान अ ट्रिप फॉर द गोवा, आप पूछ सकते हो मुझसे। सो आई एम रेडी टू यू नो मेंशन एवरीथिंग। सो एक और शॉप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो शॉप है ये, और ये शायद यहाँ से आपको क्रिसमस का सारा सामान मिल जाएगा। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं मित्रों अपने इस ब्लॉग में, और मैं आपको इसके साथ साथ और भी कुछ स्थान आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि सामने मैं आपको बता रहा था कि आपको यहाँ पर SBI ATM वगैरह, यानी कि हर एक वो सामान जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और सो वेल, आई वाज टॉकिंग टू यू, कोई भी किसी किस्म की आपकी समस्या हो या कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, और कमेंट में आप ज़रूर पूछें, अदरवाइज़ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मेरा जो चैनल है वो विजय सफारी 20 है। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मेरा चैनल का नाम विजय सफारी है हर जगह। तो ये यहाँ पर क्रिसमस के सीज़न की वजह से यहाँ पर आपको मिलेगा सामान का सारा सिस्टम, और मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ थोड़ा सा और आगे, मापूसा जो चौक है या जो भी है, व्हाटएवर दैट इज़। तो मैं समय पहुँच चुका हूँ, तो मैं किसी होटल या जो भी नाम होगा उससे पता रहेगा कि मैं, मतलब लोकेशन का मालूम पड़ता है कि मैं किस तरफ हूँ। तो ये है जी सामने सिर सात या वट एवर इट इज़ कॉल्ड होटल या लॉज, और यहाँ पर एक चौक है, और चौक से होते हुए सामने की तरफ अगर आप मेरे देख रहे हो तो दैट इज़ द मापूसा बस स्टैंड। और मापूसा बस स्टैंड का थोड़ा सा दौरा करते हैं गाइस, और ये मापूसा बस स्टैंड का बाहर का नज़ारा है। बट आई वॉन्ट टू शो यू द मापूसा बस स्टैंड, और ये यहाँ से आपको हर एक जगह के लिए बस मिलेगी। इवन इफ आई वांट टू गो टू बैगेटर, द प्लेस वेयर आई एम स्टेइंग राइट नाउ, आई कैन गेट द बस फ्रॉम हियर, बट दो आई ऑलरेडी हैव गॉट दिस स्कूटर, तो मुझे ज़रूरत नहीं बस की। बट जस्ट वांट टू शो यू कि यहाँ से आपको पंजिम के लिए गाड़ी मिल जाएगी, और वेर एवर यू वॉन्ट टू गो, लाइक मुझे इतना मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से मापसा बस मुझे लिखा मारू, आई मीन यहाँ से आपको पता है भाई ये बस स्टैंड है मापसा, तो यहाँ का ये नज़ारा है। इस प्रकार की बसेज हैं यहाँ पे भी, तो ये है जी यहाँ का बस स्टैंड, इतना बड़ा नहीं है, उतना छोटा भी नहीं है। और चलते हैं, ये जो मेरे ख्याल से ये जो आपका मार्केट गई है फिर से अंदर म्यूनसिपल मार्केट की, तो मार्केट की तरफ भी जाता है, बट आई ऑलरेडी बीन देयर सो आई वॉन्ट गो देयर। और मापूसा का जो मेन जगह है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये है जी बस स्टैंड यहाँ पे, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू। यहाँ से जैसे मैंने आपको कहा बसेस आपको मिल जाएंगी, और ये जो इलाका आता है ये आता है आपका नॉर्थ गोवा। और अपने मैंने पिछले ब्लॉग में भी दोस्तों आपको बताया था कि यहाँ से नज़दीक जो बीचेस हैं, यहाँ से जो नज़दीक वाला बीच है वो है कैंडोलिम बीच, फिर यहाँ से जो नज़दीक वाला बीच है वो है बागा बीच, और उसके साथ साथ यहाँ से जो नज़दीक है कलंगट बीच। इफ़ आई एम एबल टू प्रोनाउंस ऑल द नेम ऑफ द बीचेस करेक्टली देन आई अप्रिशिएट माई सेल्फ, इफ़ आई एम नॉट प्लीज़ करेक्ट मी। तो ये तीन बीच जो हैं ये आपको मापूसा बस स्टैंड से अगर आप जब आ जाओगे यहाँ से आपको ये बीचेस नज़दीक है, क्योंकि मोस्टली गोवा जो है उसको बीचेस के नाम से ही लोग ज़्यादा जानते हैं पहचानते हैं।
सो दैट्स वाई मैं बीच जो बीचेज हैं उनके नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए कि मैं किस लोकेशन की तरफ हूँ। और तो बने रहिए दोस्तों, ये मैं आपको प्यारा सा मकूसा जो है एरिया वो दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का नज़ारा, और मैं चलूँगा इस तरफ। हालांकि ये ब्लॉक कोई इतना बड़ा नहीं है, बट सिंस आई वॉज ऑलरेडी हियर शेयरिंग विद यू ऑल दी यू नो मार्केट प्लेसेस ऑफ मापूसा, सो आई थॉट दैट आई शुड कवर दैट ऑल्सो। तो ये शॉप इस प्रकार की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये बस स्टैंड का बिल्कुल बाहर वाला एरिया है, एंड देन नाउ आई विल इस तरफ मूवेंगे। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स क्रॉस द रोड और मापूसा मार्केट थोड़ा सा आपको और घुमाएंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे जी। तो ये बस स्टैंड का एरिया ही है उसके पीछे वाला, वहाँ पर भी थोड़ी सा मतलब शॉप्स का जो शॉप मतलब साथ साथ हैं, तो आई थॉट दैट आई शुड टेक यू देयर ऑल्सो। लेकिन ये शॉप्स जो हैं जैसे कि मोबाइल शॉप्स और खाने पीने की चीज़ें, सामने आप बिल्डिंग्स देख सकते हो। और ये बिल्कुल होटल सत्य हीरा के नज़दीक हूँ, बट यहाँ पर ये शायद मेरे ख्याल में सब बुकिंग काउंटर्स हैं, सो यू विल गेट मोस्टली बुकिंग काउंटर्स हियर। तो यहाँ से फिर आप बुकिंग करवा के बस की, देन यू कैन गो वेयर एवर यू वांट टू। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं कुछ बोर्ड पढ़ पा रहा हूँ, मोस्टली जैसे यहाँ पर मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, बेंगलोर, यहाँ के लिए आपको बसेस मिलेंगी। तो यहाँ पर आप बुकिंग्स वगैरह बस की करवा सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पर मोस्टली जो है कर्नाटका, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, वहाँ की टिकट्स वगैरह मोस्टली यहाँ पर जो है आपको मिलेंगे। तो ये है जी सारा अपना मकूसा। ऑलराइट गाइस, सो अब मैं आपसे लूँगा इजाज़त, आपसे अलविदा लूँगा। मकूसा का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ फिर से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आप भी अपने घर में सुरक्षित रहें। जय हिंद, एंजॉय योर लाइफ।